एक समय जिससे सोने का धुआं निकलता था, ऐसी समृद्ध हमारी भारत भूमि, विविधता से सजी और सुजलाम सुफलाम ऐसी हमारी भारत माँ, अनगिनत ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों ने और स्वतंत्र सेनानियों ने अपना वक्त, रक्त, पसीना और आंसू बहाकर 1947 में देश को स्वतंत्र किया। क्या भारत को वास्तव में संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? आजादी मिली तब भारत की जितनी जनसंख्या थी उससे कई अधिक लोग आज अनुचित जीवन शैली के कारण होने वाले हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, इन रोगों के शिकार हो रहे हैं। इन बीमारियों के उपचारों में हमारे नागरिकों के अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। इस संग्राम में आइए, हम में से हर एक व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करने का संकल्प करें। आइए आज हम बुरी लतें एवं जंक फूड का बहिष्कार करें। अब हम हमारे रक्त में उपस्थित अतिरिक्त शक्कर को निकाल बाहर करें। जब शुगर नेगेटिव आ गई है और मुझे कोई बीमारी नहीं है शुगर की, तो मेरा डर भी चला गया है और मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। माधवबाग का जॉइन करने के बाद ऐसा लगता है कि एक जीवन में नया संचार करा है, इनने हमें नई राह दिखाई है, हम अब अच्छे से जीना सीख गए हैं। आज मुझे हार्ट अटैक के डर से बिल्कुल आजादी मिल गई है। अपने देश में हर एक 33 सेकंड बाद एक व्यक्ति हार्ट अटैक के कारण जान गंवाता है। ऐसी परिस्थिति में उपयुक्त CPR नामक प्रथम उपचार हम सीख लें। आइए हर एक भारतीय शपथ ले कि हम हार्ट अटैक के खतरे से आजादी पाने के लिए हर तरह से प्रयत्न करेंगे और अन्यों को भी इसमें शामिल होने की प्रेरणा देंगे। 200 से अधिक क्लिनिक, 2 हॉस्पिटल और 25 ग्रामीण OPD से सुसज्जित माधवबाग का हर एक कर्मचारी इस काम में आपके कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है। इस परतंत्रता के विरुद्ध नए से लड़ने के लिए प्रत्येक भारतीय का आह्वान कर रही है माधवबाग।